हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनोज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने टाइटल पर तो देख लिया है कि मैं बताऊंगा कि आपने ब्लॉग चैनल को आप कैसे ग्रो कर सकते हो और कैसे आपके उन ब्लॉग चैनल्स के वीडियोस को वायरल कर सकते हो। तो मैं खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और कुछ बातें ऐसी बताऊंगा जो कि आपको यहाँ पे देखना होगा। और ये सब अगर आप अपने चैनल पर करते हो अप्लाई, तो हो सकता है कि आपके चैनल पर कोई एक ब्लॉग वायरल हो जाए और आपका चैनल ब्लॉग चैनल जो है वो ग्रो भी कर जाए। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नॉलेजफुल है, तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। और चैनल पर अगर आप नए हो तो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत सारा क्वेश्चन मैंने देखा था कमेंट्स पे, आप लोगों को बहुत सारे आते हैं कि मनोज भाई, हम लोग जो है ब्लॉग पे क्या बनाएं ताकि मेरा वीडियो वायरल हो जाए। तो कुछ कुछ मैं आप लोग एग्जांपल दूंगा जिसके तहत आप लोग पता कर सकते हो कि इस तरह के वीडियोस अगर आप बनाओगे तो आपके चैनल पर जो है ब्लॉग वायरल भी हो सकता है। अब ब्लॉगिंग में आप लोग क्या करते हो कि बहुत सारे जो होते हैं न्यू ब्लॉगर, जो आपने मान लीजिए न्यू चैनल खोला हुआ और आप अपना लाइफ स्टाइल दिखाना शुरू कर देते हो कि मेरे घर पे क्या हो रहा है, मेरे घर पर शादी है तो मामा का शादी है, ये सब दिखाओगे तो आपके वीडियोस को कौन देखेगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको करने से नहीं होता है। आपको कुछ देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर, आपका न्यू चैनल है, आप ऑलरेडी अगर फेमस नहीं हो तो आपको जो है अगर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट किए फ्रेंड्स, आपको अगर न्यू चैनल है, आपका ब्लॉग चैनल अगर न्यू है तो आपको कुछ हटकर करना होता है। हटकर क्या करना होता है दोस्तों, आपको अच्छे अच्छे प्लेस सबसे पहले आपको दिखाने होंगे। अगर आपका न्यू चैनल है, मान लीजिए आप अपना लाइफ स्टाइल दिखाना शुरू कर दोगे तो हो सकता है आपके उस वीडियोज को कोई नहीं देखेगा। तो आप जो है क्या करोगे कि अच्छे अच्छे प्लेस में आपको घूमना होगा, या फिर दोस्तों आपको कुछ ऐसे वीडियोस डाउनलोड अपलोड करने होंगे अपने चैनल पे जिसका वायरल होने का बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। अब फ्रेंड्स, मैं अगर अपना यहाँ पर एग्जांपल दूँ तो आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले मैंने आज से पाँच से छः दिन पहले MS धोनी के घर का ब्लॉग अपने वीडियो पर अपलोड किया अपने चैनल पर। और अभी आप उस वीडियो को जा करके देखोगे, ओनली 6 डेज में 250K व्यूज़ है, 2.5 लाख। तो ये सब चीज़ें जो है खुद से थॉट लाना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि कैसा ब्लॉग बनाऊं कि मेरा जो है वीडियो वायरल हो जाए। अभी वो ब्लॉग जो है 1 मिलियन क्रॉस करेगा, ये मैं 100% अपने तरफ से श्योर हूँ। तो ये सब जो है मुझे अभी जो है आप समझ सकते हो कि YouTube में मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है और मैं समझ चुका हूँ कि व्यूअर्स को क्या देखना पसंद है। अब मैंने MS धोनी के घर का वीडियो बनाया, ये मुझे पता था। मैं जब गया था तो वीडियो पे भी देखिएगा, मैंने वीडियो पे भी कहा था कि ये वीडियो जो है 1 मिलियन प्लस व्यूज आएंगे, ये मैं 100% श्योर खुद के तरफ से था। इसीलिए मैं यहाँ से मेहनत करके उतना दूर गया, 5 घंटे बस से गया और MS धोनी के घर का ब्लॉग भी बनाया और 6 दिन में 2.5 लाख आ चुके हैं। 1 महीना होते होते शायद 1 मिलियन क्रॉस हो जाए मेरे तरफ से, तो आप देखते हैं क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसा ब्लॉग बनाए। अब अगर मान लीजिए ये जो MS धोनी का घर है वहाँ पे रांची से बहुत सारे ब्लॉगर है, ऐसा बात नहीं कि रांची पे ब्लॉगर ही नहीं, रांची पे इतने सारे यूट्यूबर, इतने सारे ब्लॉगर है, लेकिन किसी ने MS धोनी के घर का ब्लॉग आज तक नहीं बनाया। और मैं धनबाद से जाकर के MS धोनी का घर का ब्लॉग बनाया और मेरा वीडियो वायरल हो रहा है। वहाँ भी है 2-4 वीडियो ऑलरेडी वहाँ पर है, ऐसा बात नहीं है। एक लड़की है शायद कोई ब्लॉगर, तो आप लोग MS धोनी का घर सर्च करोगे यूट्यूब पे तो एक लड़की है जो कि दिल्ली से आकर के MS धोनी के घर का ब्लॉग बना करके गया हुआ था, तो उनके भी वीडियोस पे 2 मिलियन प्लस व्यूज है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि दोस्तों MS धोनी जो है अभी इंडियन कैप्टन थे सबसे पहले क्रिकेट के, और उनको वर्ल्ड वाइड सभी जानते हैं। तो क्या हो रहा है कि इसमें पूरे वर्ल्ड से व्यूज़ आ रहे हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं आ रहे हैं, MS धोनी को सब कोई पहचानते हैं। अब जो पहचानते हैं, जो क्रिकेट लवर है, वो उनके घर को भी जरूर देखेंगे। जब मेरे घर पे 9 लाख व्यू आ सकता है, जबकि मैं थोड़ा सा यूट्यूब पे पॉपुलर हूँ आप लोगों के बदौलत, जो 500K सब्सक्राइबर्स है, जिसके कारण से मेरा घर मैंने डाला तो 900K प्लस व्यूज़ है, तो फिर MS धोनी के घर में तो 9 मिलियन प्लस व्यूज़ होना चाहिए, क्योंकि उनको तो वर्ल्ड में पूरे लोग पहचानते हैं, मुझे ओनली 500K ही लोग पहचानते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग लगाना होगा। अब मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ एक न्यू चैनल जो कि ग्रो कर रहा है, अभी ग्रोइंग स्टेज में है, 40K प्लस सब्सक्राइबर्स हैं उनका, वो किस तरह के वीडियोस बना रहे हैं दोस्तों, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं वो लड़का, मैं देखता हूँ ये सब चीज़ें और आप लोग नोटिस करके ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस खुद का शेयर करता हूँ। वो लड़का क्या कर रहा है, अभी यूट्यूब पे जितने भी टिकटॉकर्स हैं, जैसे कि फेजू, अदनान और क्या क्या है ना, जो पॉपुलर जितने भी टिकटॉकर्स हैं उनके घर जा रहे हैं पता कर करके वो लड़का कि फेजू का घर कहाँ पर है। और फेजू के घर पे जा करके मैंने देखा 2 दिन पहले वो लड़का वीडियो डाल के रखा हुआ है, 2 दिन पहले फेजू के घर जा करके बाहर में वो खड़ा है और फेजू का वेट कर रहा है, फेजू का वहाँ पे जो है बुलेट रखा हुआ था वहाँ पर वो खड़ा था, फिर फेजू आया और 1 मिनट सिर्फ उसके साथ इंटरेक्शन किया, उसके साथ थोड़ा सा बता दिया कि मैं यहाँ पर मिलने आया था, तो उस वीडियो पर अभी जो है 1 मिलियन प्लस व्यूज़ आने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि अभी लोग क्या देखना पसंद करेंगे। अभी फेजू ये लोग जो है इतना ज़्यादा टिकटॉक पे फेमस है, अगर आप उनके साथ वीडियो बनाओगे तो आपका वीडियो डेफिनेटली वायरल होगा।
अब मैंने जो है ये दो चार एक्सपीरियंस खुद का शेयर किया, जो कि मैंने एक अमेजोन के घर का बनाया था और उस लड़के का मैंने एक्सपीरियंस शेयर किया, जो कि अदनान के साथ भी उन्होंने वीडियो डाला हुआ है, फेजू के साथ भी वीडियो डाला हुआ है, और उस लड़के का अभी जो चैनल है वो रॉकेट की तरह तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि वो जो है कुछ यूनिक यहाँ पे कंसेप्ट लेके आया हुआ है। और उसके बाद जब सब्सक्राइबर्स इसका अपने चैनल पर हो जाएगा, उसके बाद आप अपना लाइफ स्टाइल को दिखाओगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ, घूम रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, तो ये सब आपका देखेंगे उस वक्त। अभी आप एग्जांपल अगर मैं दूं, मुंबई का निखिल क्या करते हैं, खुद का लाइफ स्टाइल ही दिखाते हैं। सुबह उठते हैं, ब्लॉगिंग शुरू, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, एसी लगा रहा है, क्या कर रहा है, पंखा चल रहा है या नहीं, बिजली का बिल कितना आया, ये सब भी दिखाते हैं। उन पे भी उतना अच्छा खासा उन लोगों का व्यूज होता है, क्योंकि उनका ऑलरेडी 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो उनका जो है कि बहुत सारा फैन फॉलोइंग बन चुका है ना, वो अभी कुछ भी दिखाएंगे तो देखेंगे। मैं भी अपना शॉपिंग का वीडियो डाला, 50K+ व्यूज, क्यों, क्योंकि मेरा फैन फॉलोइंग 500K+ है, आप लोग मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हो, तो मैं अभी शॉपिंग कर रहा हूँ तो उस पर भी व्यूज आ रहे हैं। तो कुछ स्टार्टिंग में आपको कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लाना होगा, कुछ यूनिक वीडियोज़ बनाने होंगे। मैंने इसमें दो चार एग्जाम्पल आप लोग को देने की कोशिश की है, उम्मीद करूँगा आप लोगों को पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो या सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।